नमस्कार साथियों, ट्रेंडी एमडीएन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एमडी और रोहतक के एग्ज़ाम मोड और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और साथ ही छात्र संघ जो आगे आए हैं विद्यार्थियों के लिए उनकी बात करेंगे। तो जो चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दे। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये फ़ोटो जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं यह है छात्र संगठन महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति राजबीर सिंह सर के पास गए हैं और उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। दो मांगे, पहली बात है विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से शुरू किया जाए, मतलब यूनिवर्सिटी रीओपनिंग के बारे में, तो यूनिवर्सिटी रीओपनिंग के बारे में डिमांड करी है। और सेकंड डिमांड करी है इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न चेंज के लिए, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज के लिए कि एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया जाए कोरोना के चलते। तो गाइस पहली डिमांड से एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन मोड होने के आसार हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर से सारे एग्ज़ाम्स एमडीयू ने ऑफलाइन मोड में लिए हैं। इस बात से स्पष्ट होता है कि एग्ज़ाम मोड 95% चांस है ऑफलाइन ही रहेगा, क्योंकि अभी इंटरनेट बंद भी है और पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं प्रैक्टिकल 2 से 5 फरवरी के बीच में, और उसमें भी प्रैक्टिकल कई बच्चे इंटरनेट बंद के चलते नहीं दे पाए, उनके प्रैक्टिकल दोबारा कराने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी को। तो इन सारे इशू से बचने के लिए अब यूनिवर्सिटियां ऑफलाइन एग्ज़ाम मोड करवाएंगी। तो एमडीयू के 30 अक्टूबर से ही ऑफलाइन हो रहे हैं, तो एग्ज़ाम मोड के बारे में कोई सवाल उठता नहीं है, ऑफलाइन ही करवाए जाएंगे। अब बात आती है एग्ज़ाम मोड की। तो एग्ज़ाम मोड के लिए ये छात्र संगठन ने आप लोगों के लिए आवाज़ उठाई है यूनिवर्सिटी रीओपन के लिए और एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज के लिए। तो ये आज ही हमारी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति राजबीर सिंह से मिले हैं और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही हमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में खबर मिलेगी हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो जो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपके पास सबसे पहले पता लग जाए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या आएगा। तो बेसिकली आप लोग अपने पुराने पैटर्न के हिसाब से अभी तैयारी कर सकते हैं, जब तक एग्ज़ाम पैटर्न की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। हम लोगों ने मेल्स का कैंपेन भी चलाया था और जितनी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से बात हुई थी तो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर सामने आई है। तो देखते हैं ऑफिशियल एग्ज़ाम पैटर्न क्या निकल के सामने आता है। मेल्स करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।